हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है निमेश और मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ। अगर आप एक टैटू बनवाना चाहते हो या फिर टैटू बनाना सोच रहे हो तो ये ऐसी कुछ टिप्स है जो आप टैटू बनाने के बाद आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। आफ्टर केयर के लिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, टैटू करने के बाद करें क्या, आपको इंस्ट्रक्शन दे देता है आर्टिस्ट के बाद घर जाके जनरली लोग भूल जाते हैं कि टैटू के ऊपर करना क्या है, कितने दिन ऑइंटमेंट लगाना बोला था, राइट, या फिर जो बैंडेज है वो कब निकालनी है कब नहीं निकालनी है, कि उसको वॉश करना है टैटू को या नहीं करना है। तो ये सब जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लाइंट घर जाके आप जो है वो भूल जाते हो। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सी टिप्स बताता हूँ। जब आप टैटू बनवा लेते हो तो ध्यान में रखिए कि आप इस तरह की एक बैंडेज आएगी, ठीक है, डर्मलाइज प्रो करके या कोई अदर कंपनी भी हो सकती है, बट इस तरह की एक ट्रांसपेरेंट बैंडेज रहती है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट रहेगी, ब्रीथेबल रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी और वाटरप्रूफ भी रहेगी, तो इससे आपके टैटू को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत ही अच्छा हील हो पाएगा टैटू इस बैंडेज से आपका, ओके। तो ये बैंडेज आपको लगवानी है, लगवाने के बाद 7 से 8 दिन तक आपको इसे रिमूव नहीं करना है। 8 दिन के बाद हल्के गर्म पानी से इसको रिमूव करना है आपको, ठीक है, धीरे धीरे करके निकालना है। निकालने के बाद आपको हल्का वॉश कर देना है उसको पानी से या टिश्यू से, ठीक है, देन जो भी ऑइंटमेंट या प्रोडक्ट जो भी आर्टिस्ट के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाता है वो अप्लाई कीजिए। इनकेस आप ये बैंडेज नहीं लगवाते हो, ओके, अगर ये आपको सूट नहीं होती है, ओके, और आपको नॉर्मली उसको हील होने देना पड़ता है, तो नॉर्मल हील के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका टैटू कहीं घिसे नहीं, कि आपको उसको खुजाना नहीं है, इचिंग आती है, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। उसके ऊपर से भी जो डेट्स की निकलती है उसको खुजा के कुछ करके आपको नहीं निकालना है, वो जैसा है उसको वैसे ही आपको हल्का सा ऑइंटमेंट लगा के आपको छोड़ देना है। ऑइंटमेंट आपको दिन में 5 से 7 बार लगानी है। देन जब आप टैटू बनवा लेते हो तो टैटू बनवाने के बाद जब आप सनलाइट में बाहर जाते हो तो ध्यान रखिए कि टैटू कवर करके ही आप बाहर जाइए, सनलाइट में खुला टैटू लेके कभी मत जाइए, ओके। इन शॉर्ट 40 से 45 दिन तक आप बने उतना टैटू को कवर ही रखिए बाहर धूप में, बाकी आपको उसको खुला ही छोड़ देना है। अगर सनलाइट में लेके गए तो उससे आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं और कुछ रिएक्शन वगैरह हो सकता है। देन अवॉइड करना है आपको जिम 20 से 25 दिन। अगर आपने बाइसेप पे, फोरआर्म पे या शोल्डर पे कहीं पे टैटू बनवाया है तो थोड़े दिन 20 से 25 दिन जिम अवॉइड कर लीजिए, उस एरिया की एक्सरसाइज आप अवॉइड कर लीजिए थोड़े दिन के लिए। क्योंकि होता क्या है, जब आप वर्कआउट करते हो तो वहाँ का जो भी स्किन का एरिया है जहाँ पे आपका टैटू बना हुआ है तो वो वाला जो पार्ट है वो डैमेज हो सकता है और आपका टैटू सही से हील नहीं हो पाएगा, वो फेड भी हो सकता है, टैटू लाइट भी हो सकता है, कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं जिससे आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो थोड़े दिन अवॉइड कर लीजिए। और स्पेशल चीज़ ये है कि स्विमिंग ना करें टैटू करने के बाद। जब वीकेंड पे लोग चले जाते हैं या कहीं बाहर से टैटू करवाते हैं फिर स्विमिंग पूल में जाके डुबकी मार लेते हैं, तो ये सब चीज़ें मत कीजिए, ठीक है। स्विमिंग के पानी से जब केमिकल वाला पानी आपके स्किन को टच होता है तो इन्फेक्शंस, टैटू फेड होना, टैटू लाइट होना, ये सब चांसेस बढ़ जाते हैं, ओके, रिएक्शंस हो सकते हैं, फिर आपको वापस वही डॉक्टर के पास आना जाना पड़ सकता है। तो ये सिंपल सी जो टिप्स है इसका ध्यान रखिए, बस इतनी चीज़ आपको नहीं करनी है, बाकी बस नॉर्मली आपको जो भी ऑइंटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, वो आप लगवाइए और बने तब तक जो भी आपको आर्टिस्ट वहां से आपको प्रोडक्ट देता है उसी को यूज कीजिए ज्यादातर। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।